नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला और आज आप सभी के बहुत बड़े बड़े डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ये सेशन लेके आया हूँ। चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और पुराने हो वीडियो देख रहे हो अभी भी सब्सक्राइब ना किए हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। आते हैं हम लोग आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से। अभी आप लोगों ने देखा कि रेलवे ने एनटीपीसी वैकेंसीज की घोषणा कर दी है। 14 सितंबर से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, और ऐसे में अब बच्चे तमाम इनके जो दिमाग में डाउट हैं वो लगातार पूछते रहते हैं, कभी फ़ोन कॉल के माध्यम से, कभी मैसेज के माध्यम से, कभी कमेंट के माध्यम से, और उनका जवाब देना हमारा कर्तव्य बनता है। तो कहीं ना कहीं एक क्या बदलाव होंगे, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि एनटीपीसी जिस प्रकार से इस बार वैकेंसीज निकाली है, जिस प्रकार से इस बार शॉर्ट नोटिस दी है, बहुत सारे डाउट्स मन में छोड़ के चली गई है। और सबसे जरूरी है, सबसे अहम है इन सारी चीज़ों को समझना। सबसे बड़ी बात कि क्या इस बार CBT 2 नहीं होगा। अभी इसने क्या किया, अभी यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने जो नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस निकाला इसमें इन्होंने दो CN की बात किया, एक CN 5 2024 और एक CN 6 2024। आप सारे बच्चे देखो जो नए होंगे उन्हें पुरानी बातें नहीं पता होगी, और जो पुराने होंगे वो तो जानते होंगे। एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने मेरे साथी हैं जो पुरानी वैकेंसीज में भी तैयारी कर रहे थे और लगातार, या पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे और अभी भी तैयारी जारी रख रहे हैं, और कौन से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कितने अभ्यर्थी हैं जो इस बार पहली पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेशर हैं। क्योंकि जब आप ये बता देते हो कि फ्रेशर हैं या फिर आप पुराने बच्चे हैं, तो आपकी तैयारी भी उस रणनीति के अकॉर्डिंग होती है जो मैं आपके लिए समय समय पर रणनीति लाता रहूंगा। तो यहाँ पर इन्होंने इस बार दो वैकेंसीज लाने का बात किया है। एक तो देखा, दो वैकेंसी लाने का मतलब कहीं ना कहीं ये बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं या बच्चों को लूटने वाला काम हो रहा है। पहली बात तो 5 साल बाद वैकेंसीज आप निकाल रहे हैं, उसके बाद जब आप वैकेंसीज निकाल रहे हैं तो पिछली बार के सापेक्ष में देखा जाए, जब 2019 में आया था तो 10,628 पद केवल किसके आए थे, ये अंडर ग्रेजुएट मतलब बारहवीं जो पोस्ट है बारहवीं वाले बच्चों के लिए, ये 10,628 था अंडर ग्रेजुएट वाला, जो लेवल 2 और लेवल 3 का था। और लेवल 4, 5, 6 जो ग्रेजुएट वाले बच्चों को बोला जाता है उसमें 24,649 था। अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो लगभग 35,000 पद थे, 35,200 समथिंग पद थे। और इस बार देखा जाए तो वही हम लोग भी अंदाजा लगा रहे थे कि ज्यादा नहीं तो 20 से 30,000 के बीच में पद होगा, बट पदों की संख्या अपने तुरंत ही 8,113 और 3,445 बहुत ही कम कर दिया। तो एक ड्रास्टिक चेंज तो आपने किया। पहले बात बीच में एक न्यूज़पेपर वालों ने बोला था कि हाँ भाई इसमें लगभग 19,000 पद आएंगे, अगर यहां पे देखा जाए लेवल 4, 5, 6 और लेवल 2 और 3 दोनों मिला के देखा जाए तो 16,000 और 3,445, इन दोनों को जोड़ा जाए, इस न्यूज़पेपर को बहुत हम गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो लेवल 2 और 3 है वो 3,445 एग्जैक्ट डेटा है। जो लेवल 4, 5, 6 है इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें डेटा चेंज कर दिया। और एक बात ध्यान और देना कि इस न्यूज़पेपर में लेवल 4 की बात किया गया है, लेकिन अगर अभी वैकेंसीज देखा जाए तो इस वैकेंसी में लेवल 4 की कहीं जिक्र नहीं किया गया। तो क्या मैं ये समझूं कि क्या लेवल 4 वालों का CN अलग आएगा? ऐसा भी हो सकता है। इन्होंने शॉर्ट नोटिस दिया है लेवल 2 और 3 के लिए और 5 और 6 के लिए। ऐसा तो नहीं कि लेवल 4 जो ट्रैफिक असिस्टेंट का पद है वो एकदम अलग से पद है, उसका CN अलग आ रहा है। हो सकता है 7-8 हज़ार पद उसका अलग आ रहा हो, क्योंकि ट्रैफिक असिस्टेंट का अगर पिछली बार भी देखा जाए तो पिछली बार तो पद बहुत ज्यादा कम थे, मतलब 2019 में भी पद नहीं भरे गए थे। तो हो सकता है इस बार पदों की संख्या पिछला 5 साल मतलब कि 10 साल में वो पद ज्यादा बढ़े हों, तो ऐसा हो सकता है कि वो पद हों। और ऐसा नहीं कि ट्रैफिक असिस्टेंट के साथ और भी बहुत सारे पद इस बार गायब किए गए हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि अंडर ग्रेजुएट वाले में पिछली बार 5 पद थे, इस बार केवल 4 पद रखे गए हैं। इसमें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क या अगर देखा जाए ये पद है, ऐसे ही अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट दूसरा पद है, ऐसे देखा जाए ट्रेन क्लर्क का चौथा पद है, और यही देखा जाए जूनियर तीसरा, यानी कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो काफी ज्यादा है लेवल 2 का 4319 पिछली बार आया था। तो क्या ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पद हटा दिया गया है? और पिछली बार भी इतनी वैकेंसीज आई थी तो ये तो वैकेंसीज और भी खाली हुई होंगी, तो वो वैकेंसीज को नहीं जोड़ा गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक आपका जैसे ये CN 5 और CN 6 निकाले, ऐसे वो CN 4 का भी एक अलग से निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब इन्होंने CN 6 में लेवल 2 वाला निकाले तो इसको इनमें सम्मिलित करना चाहिए था। तो क्या ये वैकेंसीज बढ़ा सकते हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी तो हम होपफुली हैं कि वैकेंसीज जैसे टेक्नीशियन में बढ़ी, ALP में बढ़ी, इनका भी फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद, क्योंकि ये समय ज़्यादा लेना चाह रहे हैं। और ये अभी तक जो वैकेंसीज थी इन्होंने बोला कि 3 साल 4 साल, अब ये अगला
चार पांच साल, पांच पांच वे योजना, मतलब कि जब भाजपा सरकार, जब लोकसभा चुनाव फिर से होगा तब तक ये अपना पूरा प्लानिंग बना रहे हैं, और इसी कारण से पहले कम वैकेंसी निकाल रहे हैं, उसके बाद फिर वैकेंसीज बढ़ा रहे हैं ताकि हम एग्जाम डेट को लेट लेके जाएं, 2024 वाला पेपर 2025 में कराएं, फिर 2025 में थोड़ा सा गैप करें, फिर 2026 2027 तब लेके जाएं 2028 तक, और फिर 2029 में कहीं ना कहीं फिर से क्या आ जाए, फिर से चुनाव आ जाए। तो ये हो जाए कि हमने पिछले चार पांच सालों में, जैसे रेल मंत्री जी हमेशा बयान देते रहते हैं कि इतने हम लोग नौकरी दी और वो कहने को हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कि वैकेंसीज इसमें भी बढ़ने की बात करें। और ऐसे ही ग्रेजुएट पद में पिछली बार 8 पद थे, इस बार केवल 4 पद है, मतलब 4 पदों को गायब कर दिया गया है, जिसमें लेवल 4 तो बिल्कुल गायब हो गया है। तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखने वाली बात है कि बढ़ सकता है। अब क्योंकि पहली बार जो वैकेंसी निकली थी इससे पहले तो ये दोनों एक ही नोटिफिकेशन निकला था, इस बार इन्होंने नोटिफिकेशन दोनों अलग अलग निकाल दिए। तो पहले बच्चा सीएन 5 का भरेगा, सीएन 5 मतलब कि वो 500 रुपए उसका देगा, और उसके बाद फिर वो सीएन 6 का देगा, 500 रुपए उसका देगा। मतलब कि अब क्योंकि जो बच्चा ग्रेजुएट है वो तो 12th वाला पोस्ट भी भरेगा और वो तो ग्रेजुएशन वाला भी भरेगा, और जो बच्चा 12th वाला है वो तो मान लो केवल 12th वाला भरेगा ही भरेगा। तो ऐसे में फिर जो ग्रेजुएट वाला बच्चा है वो तो कम से कम करोड़ों फॉर्म पढ़ते हैं, और ऐसे में तो 500 रुपए आप फालतू ले ले रहे हो, और 500 रुपए अगर 1 करोड़ से ले रहे हो तो आप समझ लो कि अरबों खरबों की कमाई कर रहे हो। उसके बाद आप फिर कहीं बैंक खाता में डाल दोगे, अपने यहाँ फंड में लगा दोगे, उस पर उसका ब्याज भी आएगा, तो उस अरबों खरबों का 2-3 साल में कितना ज्यादा ब्याज आ जाएगा। तो ऐसे तो आपको अगले चुनाव का आपके पास क्या आ जाएगा, अपने अगले चुनाव पर पूरा राजकोष आपका भर जाएगा। तो ये बढ़िया दिमाग आप लगाए कि आप बिजनेसमैन हो और हम लोग यहाँ पे बेवकूफ बने हुए हैं। तो ये आपको अलग अलग नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत क्या थी। अब इसमें सबसे ज्यादा बच्चे इसलिए परेशान हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं कि सर अगर ये अलग अलग आएगा, इसका मतलब दोनों में अलग अलग होंगे, तो पहले CBT1 सबका कॉमन होता था, चाहे लेवल 2 हो, चाहे लेवल 3 हो, चाहे लेवल 4 हो, चाहे लेवल 5, चाहे लेवल 6, CBT1 सबका कॉमन होता था। तो अलग अलग नोटिफिकेशन है तो इसका मतलब CBT भी अलग अलग हुआ। हां ये बात बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सही है कि इस बार 2 CBT1 होंगे, मतलब 1 CBT1 किसके लिए होगा, ग्रेजुएट के लिए होगा, और 1 CBT1 किसके लिए होगा, एक आपका अंडर ग्रेजुएट के लिए होगा। यानी कि अब आपको 2 बार परीक्षा देनी पड़ेगी, वाह भाई डबल मेहनत करनी पड़ेगी, और लक बाई चांस किसी में अच्छा किसी में नहीं, तो पता लगा कि हम ग्रेजुएट किए हैं 12th वाले में सेलेक्ट हो पा रहे हैं, और पता लगा कि हम जो 12th किए हैं तो ग्रेजुएट में तो भर ही नहीं पाएंगे, वो बात ही अलग है। तो ऐसे में तो ये तो आपने हमारे दूर सिलेक्शन के चांसेस को और कम कर दिया जब 2 पेपर आपने कर दिया। हालांकि इसकी पॉजिटिविटी ये भी है कि अगर 1 पेपर खराब हो जाता है तो दूसरा पेपर बेटर करने का हमें थोड़ा प्रॉफिट मिलता है, तो एक पॉजिटिव एंगल भी हम लोग इसका लेके चलेंगे। दूसरी बात तो ये CBT1 तो 2 होगा, लेकिन फिर 2 CBT1 होगा, और क्योंकि इससे पहले सीबीटी लेवल 5 का सीबीटी अलग होता था, लेवल 6 का सीबीटी अलग होता था, लेवल 2 का अलग होता था, लेवल 3 का अलग होता था, लेवल 5 का अलग होता था, क्योंकि इसमें बहुत सारे पद जो होंगे, बहुत सारे पद टाइपिंग वाले होंगे, बहुत सारे पद टाइपिंग वाले नहीं होंगे। जैसे पिछली बार था तो ये आप पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन देख सकते हो कि अलग अलग पद के अलग अलग थे, कुछ टाइपिंग वाले थे, कुछ टाइपिंग वाले नहीं थे। तो आप पहले CBT1 CBT2 दोगे, 2 CBT1 दोगे, और उसके बाद सारे लेवल का आप अलग अलग CBT दोगे, तो ऐसे में तो भैया इन्होंने 4-4-8 पद निकाले हैं, मतलब आपको 4-4-8 पद में अगर देखा जाए तो लेवल 2 के कितने हो गए, यहां पर अगर देखा जाए तो लेवल 2 के 3 हो गए, लेवल 3 के 1 हो गए, 2 CBT, लेवल 5 के हो गए, लेवल 6 के हो गए। तो मतलब ये 4 लेवल में निकाले, मतलब 4 CBT इधर, 2 CBT इधर, आप तो बढ़िया गेम बना दिया है आपका, पेपर ही देते फिर 6 CBT कर देंगे। तो चांसेस ये देखा जा रहा है कि हो सकता है मेंस ना हो, लेकिन बच्चों के दिमाग में जो ये प्रश्न हो रहा है मेंस ना हो, उसको मैं बता दूं कि आपका CBT कंडक्ट कराना जरूरी है, और होगा CBT2 होगा, क्यों, क्योंकि करोड़ों फॉर्म पड़ते हैं। और मैं कह रहा हूं कि अगर केवल ग्रेजुएट की बात किया जाए, कम से कम 70-80 लाख से कम फॉर्म नहीं पड़ेंगे, रेलवे की वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, और हर सिंपल ग्रेजुएट वाला बच्चा इसे भरना चाहता है, रेलवे की नौकरी करना चाहता है। तो पिछली बार की तरह देखा जाए, भले ही फॉर्म कम है लेकिन फॉर्म की संख्या कम नहीं होने वाली है, लगभग उतनी ही रहेगी। और अगर इतना ज़्यादा आपका फॉर्म रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ये 1 CBT में नहीं करा सकते, इनको CBT2 कराना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब रही बात CBT2 कराने की, तो फिर बच्चे पूछे सर 50% अंक लाना जरूरी है कि 12th में उनका 50, जो 12th वाले पद है, 12वीं वाले पोस्ट है, उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि सर उसमें 50% जरूरी है। तो ये मैं बता दूं, केवल जनरल और ओबीसी के लिए 50% जरूरी है। SC ST का कोई कैंडिडेट अगर है और उसने क्या किया है, उसने 12th के आगे भी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो उसको 50% जरूरी नहीं है, लेकिन वो केवल 12th पास आउट है SC ST का भी कैंडिडेट, तो उसको भी 50% जरूरी है। तो 50% तो क्राइटेरिया भाई सही है,
है 50% क्राइटेरिया पिछली बार माना गया था, तो इस बार भी 50% माना जाना चाहिए। उसके बाद बारहवीं पास के लिए क्या है खास, तो भाई बारहवीं पास के लिए ऐसा इस बार कुछ खास नहीं है। हर बच्चा पूछता रहता है कि सर हमारा तो नुकसान हो रहा है। आपके लिए खास बस यही है कि जब सीबीटी आपका अलग हो गया, मैंने बोला कि इसका पॉजिटिव एंगल देखो कि जो अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं इसमें आपका सीबीटी अलग हो रहा है, तो इसमें आपको क्या है कंपटीशन थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर वही बात कि ऐसा तो है नहीं कि इसमें ग्रेजुएट वाला बच्चा नहीं भरेगा, ग्रेजुएट वाला बच्चा भरेगा, तो कॉम्पिटिशन यहां पर कम नहीं हुआ। फायदा किसको हुआ? फायदा ग्रेजुएट वालों को हुआ। बात समझ में आ रही? और जब फायदा ग्रेजुएट वाले को हुआ तो पिछली बार भी जो अंडर ग्रेजुएट था जिसका ग्रेजुएशन नहीं था वो तो फॉर्म ही नहीं भर पाएगा ग्रेजुएट वाला, तो फिर वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं थी। समझ में आ रहा है? तो ये केवल आपको घुमाने का प्रयास किया गया है। ये दो सीबीटी लेने का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है, ये केवल ये मतलब है कि आपसे 500-500 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाए और अपना राजकोष भरा जाए। तो ये थोड़ा सा यहां पे गलत हुआ है। और रही बात आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आप जो ग्रेजुएट वाले पोस्ट हैं वो जो केवल डिग्री है आप डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हो। इसमें डिप्लोमा वाले बहुत कंफ्यूज है कि सर मैं किस में जाऊं, तो डिप्लोमा वाले क्योंकि ग्रेजुएशन के बराबर नहीं होते हो ग्रेजुएट के, तो आप ग्रेजुएट वाले तो नहीं भर सकते। आप यूजी वाले जो 12th वाले हैं उनको उन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दिए कि नहीं। टीम परीक्षा प्लस एक बहुत बेहतरीन आप सभी के लिए प्रोग्राम लेके आई है, मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा। एक तो शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे YouTube पे फ्री क्लासेस आपकी चल रही है। जो बच्चे पहले से तैयारी करते आ रहे हैं वो तैयारी करते रहो, और जो बच्चा फ्रेशर है, जो बच्चा चाहता है कि बहुत जीरो से मैं तैयारी करूं, बहुत विधिवत तैयारी करूं, तो आपके लिए सारे रेलवे के सारे बैच, चाहे NTPC हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आपका टेक्नीशियन हो, चाहे ALP हो, चाहे RPF हो, सारे के सारे, चाहे JEE CBT बनो, सबके सब आपके मात्र 199 में ये हैं। और इसमें आप क्या कर सकते हो, सारी लाइव क्लासेस हैं, लाइव की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, सारे क्लास नोट्स हैं, सारे आपके बुकलेट नोट्स हैं। आप किताबें देखोगे तो इसमें आपको इसमें दिया नहीं है, बुकलेट नोट्स हैं आपके पास, वो किताबें सारी की सारी मिलेंगी। थंबनेल पे आप देखोगे वो आपको किताबें भी मिल जाएंगी, साथ में आपको इसमें टॉपिक टेस्ट भी मिल जाएंगे, पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। तो एक प्रॉपर बैच जो 700-800 हजार रुपए चला रहे उनसे बिल्कुल मिनिमम प्राइस में 199 में ये एकदम निःशुल्क ही आप समझिए, इतना बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है कि आप यकीनन बहुत ज्यादा जब आप पढ़ेंगे तो आपको विश्वास होगा कि हाँ परीक्षा प्लस क्यों जानी जाती है, अपनी क्वालिटी के लिए, अपनी गुणवत्ता के लिए, और यकीनन आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोर्स से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परीक्षा प्लस ऐप की लिंक है। परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं खुद जाके, या इस लिंक के माध्यम से आसानी से चले जाएंगे और आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। यदि किसी का कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच बेझिझक पूछें, आपके एक एक प्रश्न का रिप्लाई आपका बड़ा भाई देगा। धन्यवाद सभी का।